आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार प्रदेश सरकार नित नई योजनाएं संचालित कर रही है। उसी से सीख लेकर आदिवासी परिवार के सदस्य अपने बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शासकीय छात्रावासों में अपनी बालिकाओं को हॉस्टलों में दाखिला दिलाकर शिक्षित बनाने में शासन की योजनाएं लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इन शासन की योजनाओं को पलीता लगाने में उनके ही कर्मचारी पीछे नहीं हट रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आज बदरवास तहसील के अंतर्गत आने वाले बूढ़ा डोगर छात्रावास में सामने आया है। ये बताना होगा, बूढ़ा डोगर मिडिल स्कूल की छात्र सोनम जाटव पिछले 3-4 दिन से बीमार है, जिसकी जानकारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बूढ़ा डोगर की वार्डन सुल्ताना खान की लापरवाही के कारण खून के दस्त व उल्टियां करती रही हैं और वार्डन द्वारा उसे चिकित्सक के यहां तक ले जाना उचित नहीं समझा और उसे उपचार दिलाने की जगह जगह 4 से 5 गोलियां खिलाकर हालत बिगाड़ दी और उसे उपचार दिलाने की जगह 4 से 5 गोलियां खिलाकर हालत बिगाड़ दी, जिससे बालिका कमजोर हो गई और चलने में भी असमर्थ हो गई। तब बालिका ने रसोईया के फोन से सूचना दी कि पापा मेरी तबीयत खराब है। तब वहीं जाकर पिता ने बालिका से मिले और उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। पिता रूप सिंह ने इस बात की शिकायत वार्डन सुल्ताना खान के तहसीलदार बदरवास पिता रूप सिंह ने इस बात की शिकायत वार्डन सुल्ताना खान की तहसीलदार बदरवास प्रदीप भार्गव से की, जिस पर उन्होंने कहा कि सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है, ये वार्डन पर अमल नहीं कर रही है तो इसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी और बालिका का ठीक से उपचार कराया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूप सिंह जाटव है। क्या समस्या आ गई थी बच्चों को जो आप डॉक्टर के पास लेके आए? अरे साहब, जो बच्ची ने फोन लगवाओ के वो पापा जी है ना, खून की दशा चालू हो गए, मतलब जो आपका पेट दुख रहा हो तो जैसे ठंड तो वैसे ही ज्यादा पड़ रही है और ठंड में चावल खवा दे जाए और खाना तो वैसे ही बेकार मिलते वहाँ, एक दोपहर में पहले ही बता चुको, बाकी अलावा जो है ना 4 टेबलेट एक साथ में खवा दें मैडम ने अपनी मन से, तो कहा अब जाए खून की दशत लग रहा है और मैं जिली फिर लेके जा रहा हूँ इलाज करा लूँ। तो आपने शिकायत की इस चीज़ कहीं पे अभी? नहीं, अभी कोई शिकायत नहीं की, तहसीलदार साहब के पास गया था लेकिन वो मिली नहीं है, साहब बता रहे थे थोड़ी देर से आने। अच्छा, इससे पहले भी खाने की शिकायत आई है क्या एक आध बार? नहीं, मैंने देखा था बच्चियों ने बताया था कि केवल 4 वो मिल रहे हैं आलू, तो मैंने मैडम से बोला कि आप बताओ आलू मत खवाओ करे, और मैंने जो भी सामान जैसे रखा था मूंगफली गोड़ नमकीन वो इससे छीन के रख लेते हैं, मतलब खान नहीं दे बच्ची ने। अच्छा, केवल आलू दे रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरे गांव का नाम सिंगा खीरी है, मैं सिंगा खीरी रहता हूँ। कौन सा हॉस्टल का मामला है सारा? ये है बूढ़ा डोंगर का। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? बेटा क्या समस्या आ गई थी आपको? मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं बोली मम्मी तो 4 गोली दे दी। किसने दे दी? दीदी ने, यानी कि बाकी मैडम ने। पेट दर्द की 4 टैबलेट दी आपको? पेट दर्द कब से हो रहा था बेटा? चावल खाने से हो रहा था तब। चावल खाने से पेट दर्द हुआ था? आपने और कहीं बताया था पापा को? कब बताया? समस्या कब से आ रही है? 2-3 दिन से। 2-3 दिन से? पर आपने मैडम को बताया होगा बेटा कि मतलब 2-3 दिन समस्या आ रही है, मैडम ने ले कहीं इलाज करवाया होगा आपका? नहीं करवाया। कहीं नहीं करवाया? नहीं, कहीं गोली दी। मैडम का नाम क्या है? सुल्ताना। सुल्ताना खान। कौन से स्कूल में पढ़ती हो आप? बूढ़ा डॉक्टर में पढ़ती हो? कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में हो। एक मामला आया है, जानकारी लगी कि एक SC ST की लड़की है 6th क्लास की, जिसको बूढ़ा डोंगर के हॉस्पिटल वहाँ में हॉस्टल में किसी टीचर ने पेट दर्द का बहाना करके 4 टैबलेट खिला दी और लड़की कल रात से खून के दस्त कर रही है, ऐसा एक मामला सामने आया है। पूरा मामला क्या, जानकारी है क्या आपको? मेरे को पूरा मामला संज्ञान में है और लड़की के जो फादर हैं उनसे भी मेरी बात हुई। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जब तक ये सरकार रहेगी तो SC ST के लोगों का भला होने वाला नहीं है। 100 शब्दों की बात बोलूँ तो मैं, रही बात प्रशासन के लोगों की, तो इससे पहले ही मैं एक हॉस्टल का मामला उठा चुका हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर इन लोगों को व्यवस्था दी जाती है, तो जो टीचर होते हैं वो सिर्फ व्यवस्था बनाने के लिए होते हैं, हॉस्टल अधीक्षक होते हैं बच्चों की व्यवस्था बनाने के लिए। वो बच्ची कल से खून की दस्त कर रही है, पिछले 2 दिन से ज़बरदस्ती उसको
कोरोपारा ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, उसके माँ बाप को सूचना टाइम पे देना था, उन्हें सरकार की ड्यूटी बनती है। 6 साल की बेटी है वो, छठवीं क्लास में पढ़ती है, तो मतलब 12-13 साल की बेटी है, और अब इतनी सी बेटी की क्या मतलब क्या दुर्गति की है वो मैं जानता हूँ, उस बात को मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को। तो आप कोई कदम उठाएंगे इस बात को लेके, किसी अधिकारी प्रशासन से बात करेंगे क्या? मैं हमारे यहाँ के जो SDM साहब हैं उनको ही आदिम जाति कल्याण विभाग में जिला संयोजक बना दिए गए हैं, मैं उनको बात करूंगा। दूसरा अगर जरूरत पड़ी तो मुझे कलेक्टर साहब से बात करना पड़ा तो मैं कलेक्टर साहब से भी इस मैटर पर बात करूंगा, क्योंकि बच्चे के एक तरफ तो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो हम बच्चियाँ SC ST के लोग बहुत मुश्किलों से जीते हैं साहब, लोगों के पास जीने खाने के लिए पैसा नहीं होता, इसके बाद अगर वो बच्चियाँ पढ़ाने भेज रहे हैं तो बहुत बड़ी हिम्मत रख के आपके एक सरकार पे विश्वास रख के भेज रहे हैं, इसके बाद उनकी बच्चियों के साथ ऐसी दुर्दशा हो कि कतई बर्दाश्त नहीं होगा, कि शासन और प्रशासन दोनों की मतलब विफलता है। सीधी शब्दों की बात करें सर, बुरोड़ा मुरा का मामला है जिसमें एक बच्ची को पिछले 2 दिन से लगातार खून के दर्द चल रहे हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया गया, क्या मामला है सर? मेरे पास भी मामला आया है, मैंने उसका शुरुआती उपचार बच्ची का करवा दिया है, अभी और जांच कर रहे हैं, यदि ज़रूरत लगी तो उसको एडमिट भी करवाएंगे हॉस्पिटल में। बाकी उसकी जो शिकायतें थी उसका निराकरण मैं व्यक्तिगत स्तर पे भी कर रहा हूँ, और हॉस्टल में कहाँ क्या खामियां हैं उसकी भी जांच करवा के करके उसका उस पर भी संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों को भी मामला बता दिया गया है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और बच्चों के यदि हितों के विरुद्ध कोई काम होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ग्राम सेवक ग्रामीण आए हैं तो उन्होंने अपनी बिजली की समस्या को लेकर जो आपको अवगत कराया था, इस विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस विषय में नदौरा गांव में 25 KVA का ट्रांसफार्मर 2 बार फूट चुका है, इसलिए वो 63 KVA का ट्रांसफार्मर कराना चाह रहे हैं, पर उस पर बेड कनेक्शन मात्र 19 कनेक्शन होने के कारण प्रस्ताव बनाकर 63 का कराया किया जाना संभव नहीं है। तो ग्रामीण क्या चाहते हैं? ग्रामीण ये चाहते हैं कि हमारा 63 KVA का ट्रांसफार्मर किया जाए, वो अभी क्योंकि उस पर पर्याप्त लोड होने के कारण अभी उसको क्षमता वृद्धि का काम नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।